दोस्तों, जब हम कभी हिल स्टेशन जाते हैं पहाड़ों पर घूमने के लिए, तो उस केस में और कभी हमें रास्ते में लैंडस्लाइड मिल जाता है, और उस लैंडस्लाइड के केस में क्या होता है कि हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं उस केस में। तो आज मैं आपको इस वीडियो द्वारा आपको बताऊँगा कि कैसे हम ओवरकम या कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, प्री प्रिपरेशन कर सकते हैं पहाड़ों पे जाने से पहले, और लैंडस्लाइड की तैयारी हम अगर जाम लगता है हाईवे पे रास्ते में तो कैसे हम उससे निपटारा कर सकते हैं, कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है। तो इस वीडियो द्वारा मैं आपका को डराना नहीं चाहता हूँ कि अगर लैंडस्लाइड होता है तो आपको काफ़ी घंटों तक जाम में फंसना रहना पड़ता है, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि यह रास्ता कभी कभी इतना सकरा होता है कि इसका कोई ऑप्शनल नहीं होता कि हम दूसरे रास्ते से जा सकें। तो लैंडस्लाइड्स के केस में सबसे बड़ा जो ओवरकम है, सबसे बड़ी प्रिकॉशंस ये है कि आप संयम रखिए, जल्दबाजी ना करें रोड पर, जाम खुलने की प्रतीक्षा करें और अपने लाइन में रहें, ओवरटेकिंग ना करें, क्योंकि ओवरटेकिंग से क्या होता है कि अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं और साइड वाला आपको साइड नहीं देता है तो आपको वापस लाइन में बैक जाना पड़ता है, और जो सेफ़ नहीं है आपके लिए और टाइम कंज्यूमिंग भी काफ़ी है, लड़ाई झगड़े का चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा एक प्रिकॉशंस आपको ये लेना होगा कि आप जब भी हिल स्टेशन पे जाएं तो अपने साथ में खाने का पूरा बंदोबस्त करके जाइए, पानी की व्यवस्था रखिएगा, मेडिकल्स के लिए मेडिसिंस वगैरह रखिएगा, अगर आपको कोई बीपी की प्रॉब्लम है, आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसकी मेडिसिन लेके जाइए, क्योंकि जाम की स्थिति में आपको वहाँ आसपास कोई भी पानी की सुविधा या मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जाम कई किलोमीटर लंबा हो सकता है, इसमें कई घंटे आपको लग सकते हैं, वहाँ पे फंस सकते हैं आप, सुबह से लेकर शाम तक हो सकता है, क्योंकि ये जाम मैंने फेस किया है जब मैं बद्रीनाथ से ऋषिकेश वापस आ रहा था, और ये कई किलोमीटर लंबा जाम था और मुझे 4 से 5 घंटे जो है इस जाम में फंसना पड़ा। तो मैं आपको सजेशन यही देता हूं कि आप अपने साथ पूरी मेडिकल किट, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था रखिएगा और आप पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड गिव योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स यू।